डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। अब ये वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये इसके स्टेटमेंट में देखते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द चेंज इन द कार्बन स्केलेटन थ्रू 1-2 रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इन विच अ हाइड्रोजन एन एल्काइल और एन एराइल ग्रुप इज माइग्रेटिंग टू अ नेबरिंग कार्बन आर नोन एज वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिएक्शंस जहां पर कोई कार्ब जो भी हमारा कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब इस वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट में जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटायन होता है, और अगर वो कार्बोकेटायन हमारा लेस स्टेबल बन रहा है तो उसे हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज करते हैं थ्रू 1-2 रीअरेंजमेंट। जैसे 1-2 शिफ्ट हुआ था, मिथाइल शिफ्ट हुआ था, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, जैसा हमने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में देखा था, वहां पर भी हम 1-2 शिफ्ट की बात की थी। तो अगर वो शिफ्ट होकर हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो जो वो रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी कहलाती हैं वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। अब देखिए, इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे ये हमने नियोपेंटाइल एल्कोहल लिया हुआ है। नियोपेंटाइल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दो टाइप्स की एल्कीन बनाता है, एक इसमें मेजर बनती है और दूसरी माइनर बनती है। अब ये कैसे बनेगी ये तो हम इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे, किस तरह से रीअरेंजमेंट हुआ वहां पर कार्बोकेटायन में, वो सब इसके जो है मैकेनिज्म उसमें आएगा। बस यहां पर सिर्फ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे अगर हमने नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हुआ लिया और न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया उस पर, तो वहां पर भी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और या फिर एलिमिनेशन हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद सेकेंड नंबर पर इस वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। तो अब देखते हैं मैकेनिज्म में क्या होगा। तो ये हमने अपना एल्कोहल लिया हुआ है, ये H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, यानी H2SO4 क्या एसिड है, एसिड का क्या काम होता है, H+ देना, तो ये H+ देगा। और यहां पर ये OH के पास इलेक्ट्रॉन है। ये रिएक्शन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, जब भी रिएक्शन में H+ हो और सबस्ट्रेट के पास OH है तो हमेशा OH जो है अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा और यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है फॉर्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर OH तो है, एक H ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक H यहाँ से आ गया, तो ये बन जाएगा OH2। और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इसलिए आ गया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूल निकलते साथ ही क्या होगा, इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो आप देख रहे हैं ये जो है कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो कौन सा कार्बोकेटायन है। आप लोगों को पता ही होगा कार्बोकेटायन हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटायन होते हैं, जिसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है और टर्शरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है। अब देखें यहां पर ये कौन सा कार्बोकेटायन बना है, यहाँ पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये एक प्राइमरी कार्बोकेटायन बना, और प्राइमरी कार्बोकेटायन है होता है लेस स्टेबल। तो अगर रिएक्शन में ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि प्राइमरी कार्बोकेटायन यानी लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज कर सकें तो हमेशा उसे चेंज कर देना चाहिए। अब देखें यहाँ पर क्या होता है, और उसी को हम वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट भी बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कैसे आएगा, जब ये 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं, ये अगर कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2, तो 1 से ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, हम किसी भी मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर दो तीनों में से किसी भी मिथाइल ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करा सकते हैं। तो सपोज हमने ये ऊपर वाला जो मिथाइल है यहाँ पर शिफ्ट करा दिया, तो ये कहलाएगा 1-2 मिथाइल शिफ्ट। तो अगर ये मिथाइल इस पर जाएगा तो यहां पर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पर आ जाएगा अब पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया आफ्टर 1-2 मिथाइल शिफ्ट, तो ये किस प्रकार का कार्बोकेटायन बना, ये बना टर्शरी कार्बोकेटायन, तो ये मोर स्टेबल होता है। तो ये जो यहां से यहां फॉर्म हुआ यही होता है वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट, जहां पर 1-2 मिथाइल शिफ्ट देखने को, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, और पीएच का फिनाइल ग्रुप भी यहां पर जो है हम माइग्रेट करा सकते हैं। ये तो मैंने आपको पिनाकोलोन में भी समझाया था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है और कौन कौन से ग्रुप्स जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि तीनों ही मिथाइल ग्रुप हैं तो इसलिए आप किसी भी मिथाइल ग्रुप को यहां पर शिफ्ट करा सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ शिफ्ट कराएंगे, और शिफ्ट कैसे कराएंगे, मिथाइल जो है ये अपने बॉन्ड्स लेके जाएगा, यानी कि Me-, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्ब एनायन की फॉर्म में कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है एल्काइल शिफ्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन
एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देगा इसको। तो इस तरह से टर्शरी कार्बोकेटायन जो है हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अब अगर क्या हो, अगर यहाँ पर एम ई की जगह एच होता, सपोज एक एच होता और दो एम ई होते, तो फिर हम हाइड्राइड शिफ्ट दिखाते। ये डिपेंड करता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर। ये मैंने आपको पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ने समझाया हुआ था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, जैसे ये एच माइनस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी एच माइनस का होता है, और फिर हम एम ई माइनस का लगा देते हैं। और एम ई माइनस में भी ग्रुप्स हैं, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, एम ई माइनस सॉरी एल्काइल ग्रुप इसको बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप में भी टर्शरी का सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी का उससे कम होता है, और प्राइमरी का सबसे कम होता है। तो ये एक मैंने आपको बताया था कि ये एक सीक्वेंस होता है जिसको आपको याद करना पड़ेगा कि हाइड्राइड का और क्यों इसका ज्यादा क्यों इसका कम होता है। ये सब कुछ मैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो यहां पर हमारा शिफ्ट हो गया, ये हमने यहाँ करा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में H प्लस लिया था इस सबस्ट्रेट ने, अब वो H प्लस वापस करना पड़ेगा। तो H प्लस अब यहाँ से निकलेगा। अब वो H प्लस किस तरह से निकल सकता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉजिटिव यहाँ पर है चार्ज, और इसके बगल वाले कार्बन पर भी दो H हैं, तो यहाँ से एक H निकल सकता है। जैसे ही H प्लस निकलेगा, इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक H प्लस निकलने की पॉसिबिलिटी तो यहाँ से है, या फिर इन दोनों मिथाइल में से किसी एक से, क्योंकि दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो किसी भी एक से H निकल सकता है, और यहां पर हो जाएगा ये CH3 है, क्योंकि यहां पर CH2 हो जाएगा जब H प्लस निकलेगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो दो तरीके की एल्कीन यहां पर पॉसिबल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम ये वाला H प्लस निकाल दें, तो अगर ये वाला H प्लस निकालेंगे तो यहां पर CH रह जाएगा, और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड और ये CH हमने यहां पर दिखा दिया H प्लस को निकाल के। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इस एम ई, या एम ई क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप, तो इस CH3 में से एक H प्लस निकलेगा, तो अब बचेगा यहाँ पर CH2, और ये CH2 और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो गया डबल बॉन्ड यहाँ पर हमने दिखा दिया। तो दो तरीके के प्रोडक्ट बने, जिसमें से ये होती है मेजर और ये होती है माइनर। देखिए, जब भी कभी आपके पास एल्कीन फॉर्म हो रही है प्रोडक्ट में, तो उसमें से मेजर और माइनर हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमें देखना होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यानी कि ये एक सेट जफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो एल्कीन के बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, एक मेजर हो गया, एक माइनर। मेजर प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं सेट जफ प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। और सेट जफ प्रोडक्ट हमेशा हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। अब हाईली सब्स्टिट्यूटेड कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए इसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ये बात भी मैं वैसे समझा चुकी हूँ, पर एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। ये जो डबल बॉन्ड है, बस इस डबल बॉन्डेड कार्बन से आपको देखना है कितने हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हैं। तो आप इतने पोर्शन में देखिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। नॉर्मल एल्कीन आप कैसे दिखाएंगे, नॉर्मल एल्कीन क्या होती है, ये एक एच, ये एक एच, यहाँ पर एक एच और ये एक एच, इस तरह से दिखाते हैं। तो जितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, जितने ज्यादा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे कि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो यहां पर भी क्या हुआ है, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, तो हमने ये सी डबल बॉन्ड सी है, इस सी से एक एच है और एक एम ई है, यानी ये एक एच है और ये जो ये है ये सब्स्टिट्यूट हो चुका है एम ई से, यानी मिथाइल ग्रुप से। और इस कार्बन से जो दोनों हाइड्रोजन है, वो दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, यानी ये भी सब्स्टिट्यूट हो चुका है और ये भी। तो कितना, तीन हाइड्रोजन जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, जबकि सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे अगर आप देखें, सिर्फ हमें डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना होगा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, तो इस कार्बन से तो कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच नहीं है, एक तो एम ई और दूसरा सी एच टू एम ई है, और इस वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच हैं, यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कौन कौन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए हैं, इसमें एक ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है और इसमें एक ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो इसमें दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए हैं, जबकि दो हाइड्रोजन यहाँ पर एज इट इज बच गए हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन नंबर क्योंकि ज्यादा है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर खाली ये वाला हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ पर खाली एक हाइड्रोजन है, तो ये वाली तो हमारी कहलाएगी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन।
ये हो गई हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और ये हो गई हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वही मेजर प्रोडक्ट होती है, तो वो हमने यहाँ पर इसलिए हमने इसको मेजर प्रोडक्ट माना और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की इसको हम हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म की तरह से भी देख सकते हैं, या तो आपने ये तरीका निकाल लिया कि आपने डबल बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन का नंबर काउंट कर लिया, जहाँ पर भी कम हाइड्रोजन होंगे इसका मतलब वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और अगर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी और वो माइनर प्रोडक्ट होगा। एक तरीका तो हो गया ये, या फिर आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन हम कहाँ पर काउंट करते हैं, जब हम देखते हैं कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बन सकती हैं जिस भी एल्कीन की, जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनती हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मानी जाती है। अब अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे काउंट करेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो हमारे होते हैं अल्फा कार्बन। जैसे यहां पर ये भी अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और एक ये भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये सी एच है और ये यहाँ पर हमारा सी एच थ्री है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन था, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होते हैं और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं वो सारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें ये एम ई है, सी एच थ्री है, ये भी सी एच थ्री और ये भी सी एच थ्री है और ये तीनों ही अल्फा कार्बन है, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर कितने टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन, ये तीन छः और तीन नौ, तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सब उतनी ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मानी जाती है। अब आ जाते हैं यहां पर, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन से तो कोई और कार्बन अटैच्ड ही नहीं है, तो यहां पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई मतलब नहीं होता। और इस कार्बन से अगर हम देखें तो एक तो ये है अल्फा कार्बन और एक ये है अल्फा कार्बन, तो इस एम ई है इसका मतलब यहां पर तीन हाइड्रोजन है और ये सी एच टू है, सिर्फ सी एच टू काउंट करेंगे, एम ई इसमें काउंट नहीं करना है क्योंकि एम ई तो इस कार्बन से अटैच्ड है। तो दो हाइड्रोजन ये हुए, तीन हाइड्रोजन यहां हुए, तो यहां हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहां थे 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहां हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहां पर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहलाती है और वो मेजर प्रोडक्ट होती है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कौन सा मेजर, इसमें एक मेजर बनता है और दूसरा माइनर बनता है, तो इस तरह से हम मेजर और माइनर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म थी जो हमने पहली वाली रिएक्शन देखी थी। अब हम देखेंगे दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में हमने न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड लिया था, इसकी रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल से करा रहे थे। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होती है और SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। यहाँ पर कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, कैसे, क्योंकि BR यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप है, तो जब BR एक लीविंग ग्रुप है तो ये जो है लीव करेगा यानी निकल जाएगा यहां से, Br- माइनस की फॉर्म में निकलेगा। तो अब क्या होगा, जब ये Br- माइनस निकल जाएगा तो इस CH2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और आप देख रहे हैं ये कार्बन कार्बोकेटायन जो बना है वो कौन सा बना है, वो प्राइमरी कार्बोकेटायन, और प्राइमरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है अगर शिफ्ट करने की, और है हमारे पास पॉसिबिलिटी क्योंकि अगर हम इस एक मिथाइल को यहां पर शिफ्ट करा देंगे तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमने यहां पर दिखा दिया है। सपोज अगर हम इसको चेंज करा दें, यहाँ पर हो जाएगा 1-2 शिफ्ट, तो 1-2 शिफ्ट हमने करा दिया और ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया यहाँ जाकर, CH2ME हो गया और अब इस कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये किस टाइप का कार्बोकेटायन बना, ये बन गया हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन, और टर्शरी कार्बोकेटायन जो होते हैं वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन माने जाते हैं, तो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, जैसे पहले हुआ था या तो H+ निकल जाएगा, या तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि मीडियम में हम जो हमने रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो प्रेजेंट है ही, तो इस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है और इन दोनों कार्बन से कहीं से भी हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी बन सकती है। कैसे, अगर हम उसमें से H+ को निकाल देंगे, तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएं तो क्या हो जाएगा, ये OH- इस कार्बन पर अटैक कर देगा और इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, तो यहां पर ये अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने,
मोर सब्स्टिट्यूट कैसे बनेगी? मोर सब्स्टिट्यूट होती है हमारी सेटजेफ प्रोडक्ट, और सेटजेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमेशा हाइड्रोजन वहां से लीव करता है, उस कार्बन एटम से लीव करता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो यहां पर है CH3, ये तो दोनों ही सेम है, ये तो हो गया मिथाइल ग्रुप यानी CH3, और ये है CH2। तो H2 है इसलिए यहां से हाइड्रोजन जो है निकलेगा, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा हमेशा वहां से हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में निकल जाता है। तो यहां से H+ निकलेगा, जैसे ही H+ निकलेगा इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है फॉर्म होकर आती है। अगर हम यहां से निकालते तो हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया ही था। तो इस तरह से हम ये वाली मैकेनिज्म को भी देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर कभी ऐसा हो कि ऐसा कार्बोकैटायन बन रहा है जहां पर रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो कोई रीअरेंजमेंट फिर नहीं होगा। जैसे अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये हमने एक कंपाउंड लिया है, अगर हम इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये Br जो है वो लीव करेगा और एक कार्बोकैटायन बनेगा। अब आप देख रहे हैं इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है, एक टाइप का सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, लेकिन क्योंकि यहां पर एक बेंजीन रिंग भी है तो हम इसको कहेंगे कि ये एक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन तो स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? इस बेंजीन रिंग की वजह से होते हैं। जैसे देखिए इस किस तरह से हम दिखा सकते हैं, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में चला जाता है। देखिए अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो अब हम ये वाले बॉन्ड को इस कार्बन पर शिफ्ट कराते हैं, जैसे ही इस कार्बन पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो अब ये वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये बॉन्ड यहां मूव करेगा, जैसे ये बॉन्ड मूव करेगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये बॉन्ड यहां मूव करेगा। तो इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग पर डिस्पर्स हो जाता है, तो डीलोकलाइज हो जाता है, इसलिए बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब हम इसमें सिंपल रिएक्शन दिखा सकते हैं। अब क्या होगा, हमने दो पॉसिबिलिटी बताई थी, न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप यहां देखें तो प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, यानी इस OH ने इस कार्बन पर जो है वो अटैक कर दिया है और वो OH इससे जुड़ गया है। एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज से हमें नेक्स्ट कार्बन ही देखना होता है जहां से हमें हाइड्रोजन को निकालना है, तो ना तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्योंकि तीनों ही मिथाइल ग्रुप है, और ना ही इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्योंकि ये कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन कोई है ही नहीं, इसलिए यहां पर कोई एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हुई। तो यहां पर सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म होकर आता है। तो वैगनर मीरविन रिएक्शन में सिंपल जो होता है, हम लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज कर देते हैं थ्रू 1-2 रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट में मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, या फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। क्यों ये माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बो, ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ इस रीअरेंजमेंट का, कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पर फॉर्म हो रहा है। एक अब लास्ट इसमें टॉपिक देख लेते हैं, लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए जब कभी सबसे पहले वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट को डिस्कवर किया गया वो बाइसाइक्लिक टर्पीन्स में देखने को मिला था, तो ये एक बाइसाइक्लिक टर्पीन का एग्जांपल और देख ले रहे हैं इसमें। ये हमारा आइसोबोर्निओल है। देखिए आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम आपको ना भी याद हो लेकिन आपको काम याद होना चाहिए, चाहे वो रिएजेंट ले रहे हैं, चाहे आप सबस्ट्रेट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, बस आपको काम पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको रीअरेंजमेंट का नाम भी नहीं पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हमने कुछ जो भी हमने सब्स्ट्रेट लिया है या जब हमने इसमें रिएजेंट लिया है कहां पर वो अटैक करेगा, क्या चीज निकलने की पॉसिबिलिटी है, बस वो सब आपको यहां पता होना चाहिए। जैसे हमने ये कंपाउंड लिया बाइसाइक्लिक टर्पीन्स हो गया ये, अब इसमें H+ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो H+ का देखिए क्या काम होता है, H+ को तो चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन और यहां पर OH है, तो ये जो OH है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे देगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये OH2 में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये जो है OH2 यहां से निकल जाएगा, तो जो ये 6 नंबर कार्बन एटम है इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वो मैंने एक ही स्टेप में आपको दिखा दिया है। ये नंबरिंग इसलिए की है क्योंकि आगे हमें प्रोडक्ट बनाने में ईजी मिल रहे, तो जब भी कभी आपको इस तरह के बाईसाइक्लिक कंपाउंड देखने को मिले आप अगर नंबरिंग कर लेंगे तो नंबरिंग करने से बहुत ईजी रहेगा आपके लिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये H+ है, अब यहां पर क्योंकि 1-2 शिफ्ट होता है तो हम देखेंगे इसके बगल वाली पोजीशन, या तो ये वाली पोजीशन से कुछ निकलेगा या फिर इस वाली पोजीशन से, दो ही
वन टू शिफ्ट हो सकते हैं। तो देखें, इस कार्बन पे जो जुड़ा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप है, ये जो हम मैंने एक ऐसी लाइन खींची हुई है इसका मतलब ये एक मिथाइल ग्रुप है। आप चाहे तो यहाँ CH3 लिख भी सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी इस कार्बन से भी दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर तो है मिथाइल ग्रुप, और अगर हम इस कार्बन पर देखें तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, यानी कि H हमारा यानी हाइड्राइड आयन यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H आयन का सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से H यानी हाइड्राइड आयन को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो अगर हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। लेकिन इस पॉजिटिव, यहाँ पर कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा था, कैसे पता चलेगा? ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये बन रहा था हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और अगर हमने H को यहां शिफ्ट कर दिया, यानी H माइनस की फॉर्म में आएगा, जैसे ही H माइनस यहां निकलेगा, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी कौन सा कार्बोकैटायन बन के आ रहा है, ये भी एक कार्बन से अटैच है, और यहां यानी ये कुल मिलाकर दो कार्बन से अटैच है, यानी यहां पर भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो जब दोनों से ही सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा है स्ट्रक्चर में, तो यहां से तो कोई शिफ्ट होने से रहा। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर मिथाइल ग्रुप, यहाँ से हम इसको चेंज करा दें, सपोज अगर ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर आ जाए, तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, 5 नंबर कार्बन पे। और 5 नंबर कार्बन पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक तो ये कार्बन से, एक ये कार्बन से, और एक ये कार्बन से, यानी तीन कार्बन से अटैच है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन यहां पर बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन देखने में तो लग रहा है टर्शरी बन रहा है, इसका मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन है। लेकिन आप एक बात हमेशा के लिए याद रखिए, सबसे पहली चीज तो जब भी ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ये 2 और 5 वाली जो पोजिशन होती है जो कार्बन की, इसको हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, या हम कहेंगे इसको ब्रिज हेड पोजिशन। ब्रिज हेड क्यों? क्योंकि इसमें ब्रिज बन रहा है। देखिए, 2 नंबर से भी एक कार्बन ऊपर जुड़ा हुआ है और 5 नंबर से भी वही कार्बन ऊपर जुड़ा हुआ है, तो ये एक ब्रिज की फॉर्म बन रही है। मतलब किस तरह से बनता है ये स्ट्रक्चर, देखिए इस तरह से होगा, ये ऐसे हमने यहाँ ब्रिज बना दिया, ये इस तरीके से, ये सपोज ये एक है, ये एक है, और ये जो ऊपर की साइड यहां पर जाकर ये एक मिथाइलिन ग्रुप ब्रिज जो है वो बन के आता है। मतलब हट शेप में बनता है इस तरीके से, हट ऐसे वीडियो में तो मैं आपको नहीं, ऐसे हट शेप में बनता है, और ऊपर की साइड यहां पर मिथाइलिन ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है। तो ये जो पोजीशन होती है, ये या ये जो हम कहेंगे, ये जो इस तरह से हम दिखा रहे हैं, ये ब्रिज पोजीशन होती है। ये आप लोगों को शायद पता भी हो, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ, 2 और 5 पोजीशन हमारी ब्रिज हेड पोजीशन होती है, और ये इस ब्रिज बना हुआ है इसलिए हम इसको ब्रिज हेड पोजीशन बोल भी रहे हैं। तो अब जब 5 नंबर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ये बात आप हमेशा के लिए याद रख लिए। एक तो ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, दूसरा ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये दो चीजें आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, कभी भी ऐसे कभी नहीं बनाएंगे। कोई भी स्ट्रक्चर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि ये 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड हो, या 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर प्लानर नहीं हो पाता है। तो यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहां से पॉसिबल नहीं है, तो ना तो यहां से शिफ्ट हो पा रहा है, ना यहां से शिफ्ट हो पा रहा है, तो अब होगा क्या? तो कभी भी इस तरह से कंडीशन आ जाए कि दोनों पोजिशन से यहां से नहीं हो पाता शिफ्ट, तो क्या होता है, ऐसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड में हमें हमेशा NGP देखने को मिलता है। NGP का क्या मतलब होता है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यानी यहां पर जो ये 4 और 5 वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को देता है। यहां पर NGP कौन शो कर रहा है? यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन शो कर रहा है। ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मतलब कभी डिटेल में हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, यहाँ पर शॉर्ट में बस सिर्फ इतना है कि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। अब वो कैसे होगा? इसमें होता क्या है कि 4 और 5 के बीच का बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है, और 4 और 6 के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड का हम पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, जिसको हम बोल देते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, की पास वाले ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया। क्यों? ताकि हम इस कार्बन को स्टेबलाइज कर सके। और कैसे? अब देखिए, यहां पर 4 और 5 के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा, तो 5 नंबर पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जो यानी इस फोर और सिक्स के बीच में जब बॉन्ड बन गया तो सिक्स का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, और फोर और फाइव के बीच का बॉन्ड टूट गया तो इसलिए फाइव पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी पोजिशन, हम सेवन और टू के बीच का बॉन्ड, सेवन और टू ये है, फिर टू और थ्री के बीच का बॉन्ड, टू और थ्री के बीच में, थ्री और फोर के बीच में, फिर फोर और सिक्स के बीच में बॉन्ड बनाया, तो फोर और सिक्स के बीच में बना दिया, सिक्स और सेवन का बॉन्ड बना हुआ है, सिक्स और फाइव का बॉन्ड भी बना हुआ है, वो हमने एज इट इज दिखा दिया, और फाइव से एट नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और फाइव पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज बनने से हुआ क्या, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, अब ये वाला कार्बन तीन कार्बन से अटैच्ड हो गया, एक तो वन नंबर कार्बन से, एक एट नंबर कार्बन से और एक सिक्स नंबर कार्बन से। इसका मतलब अब हमारे पास बन गया है ये टर्शरी कार्बोकेटायन। तो यहां पर एनजीपी क्यों हुआ, सेकेंडरी कार्बोकेटायन को टर्शरी कार्बोकेटायन में चेंज करने के लिए यहां एनजीपी हमने शो किया। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस जो फोर फाइव के बीच का बॉन्ड टूटा है, आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि इसने एनजीपी शो किया, यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है देखने में, तो अगर सिंपल वे में स्ट्रक्चर जो हम इसी फॉर्म में इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो हम बना पाएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपने कहां कहां पर बॉन्डिंग हुई है, कितने कार्बन एटम अटैच्ड है एक दूसरे से, तो वन टू थ्री, ये तो पूरे अटैच्ड है, थ्री से फोर अटैच्ड है, फोर से सिक्स अटैच्ड है और सिक्स से फाइव अटैच्ड है, फिर फाइव वन से अटैच्ड हो गया, यानी कि ये जो रिंग बनी आपके पास इसमें कितने कार्बन एटम अटैच्ड हुए, कुल मिलाकर सिक्स कार्बन एटम अटैच्ड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कुल सिक्स कार्बन एटम अटैच्ड है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये सिक्स कार्बन की ये चेंज बना, मतलब ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेना है, ये मैं आपको यहां बना के दिखा देती हूँ, ये इस तरह दिखाते हैं हम जब भी कभी दिखाएंगे। तो फिर आपको नंबरिंग कर देनी है, तो नंबरिंग आपने क्या करी, सपोज यहां से शुरू कर ली, वन टू थ्री फोर, और फोर के बाद फाइव नहीं लिखना है क्योंकि फोर जो है पहले सिक्स से जुड़ा हुआ है, तो आपने सिक्स लिखा फिर आपने फाइव लिखा, तो इस तरह से बनाने के बाद नंबरिंग कर दी। अब वन नंबर से आपने दो मिथाइल ग्रुप जोड़ रखे हैं, तो यहां पर दो मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, फिर टू नंबर पे देखिए, अब देखें यहां पर टू नंबर और सिक्स नंबर, आप देख रहे हैं टू नंबर और सिक्स नंबर से ये सेवन नंबर जुड़ा हुआ है, यानी कि अब जो ब्रिज हेड पोजीशन बनेगी वो टू और सिक्स बनेगी, तो ये टू नंबर और सिक्स नंबर दोनों से आपने मिथाइलीन ग्रुप जो है जोड़ दिया, ये हो गया सेवन नंबर कार्बन, ये सी एच टू है, सी एच टू को हम मिथाइलीन बोल देते हैं, यानी कि ये अब मिथाइलीन ब्रिज बन गया है टू और सिक्स के बीच में, तो आपने ये बना दिया। उसके बाद आप आए थ्री नंबर पर, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो आपने थ्री को एज इट इज छोड़ दिया, फोर में भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, सिक्स फाइव से अटैच कर दिया हमने, फाइव से अटैच, फाइव के ऊपर यहां पर आया था पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहां पर लगा सकती हूं, तो ये फाइव पर आया पॉजिटिव चार्ज, और फाइव से जुड़ा हुआ है एक सी एच थ्री, आठ नंबर जिसको हमने दिया हुआ है, तो फाइव से सी एच थ्री को मैंने इसे खोल के लिख दिया सी एच टू और एच, क्यों खोल के लिखा है, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट में इस एच प्लस को निकालना है। तो देखिए अब क्या होगा, यहां पर यहां से यहां पर सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पर हमने H+ जो लिया था वो H+ वापस भी करना पड़ेगा, तो वो H+ वापस कैसे जाएगा, जब ये H जो है यहां से रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही हम ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद यहां ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू हो गया। तो इस तरह से ये हमारा कैम्फीन यानी प्रोडक्ट जो है फॉर्म बन गया। तो सबसे पहले जो वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट था वो इस बायसाइक्लिक टर्पीन में देखा गया था, क्योंकि इससे ये प्रोडक्ट बना था, और उसके बाद उसकी मैकेनिज्म को फिर एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से ये हुआ होगा। देखिए कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो हमें सबसे पहले रिएक्टेंट पता होता है, फिर उसका प्रोडक्ट पता होता है, प्रोडक्ट को तो हम पता लगा लेते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद मैकेनिज्म हम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ये मैकेनिज्म हमारे कि ये बना कैसे होगा, तो इसलिए सोचा गया कि ये इस तरह से कुछ फॉर्म हुआ होगा, तो फिर ये कंपाउंड जो है बन के आया है। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड एनजीपी जो है वो नोटिस किया गया, और इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि किस तरह हमारा ये प्रोडक्ट बन के आया। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे यहां पर ये कंपाउंड दिया हुआ है, फिर से वही होगा कि H+ है, तो H+ में क्या होगा, फिर OH तो है यहां पर, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और ये जो है यहां से रिमूव भी हो गया, तो अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया। फिर से हमें वही करना है, पॉजिटिव चार्ज में हमें वन टू शिफ्ट देखना है, या तो यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा। अब देखिए फिर से यहां पर एक हाइड्रोजन तो है ही, क्योंकि यहां पर तीन बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन भी है, और हम इधर की साइड से शिफ्ट कराएंगे तो हमें मिथाइल शिफ्ट कराना पड़ेगा, और इधर से शिफ्ट कराएंगे तो हमें हाइड्राइड शिफ्ट कराना पड़ेगा, और क्योंकि हाइड्रोजन का एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो एच माइनस को यहां माइग्रेट करा दें, लेकिन एच माइनस जैसे ही माइग्रेट करेगा अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन है और ब्रिज हेड पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन का जो है वो माइग्रेशन नहीं हुआ
हुआ, अब हम शिफ्ट कराएंगे 1-2-मिथाइल शिफ्ट, यानी यहाँ से ये जो पूरा बॉन्ड है, ये पूरा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो ये एम ई जो है अब यहाँ पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा था वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, ये पॉजिटिव चार्ज एक इस कार्बन से अटैच्ड है और दूसरा इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, जबकि हमने जब बनाया इसको 1-2-मिथाइल शिफ्ट करके तो ये टर्शरी में चेंज हो गया, क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन से यहाँ पर अटैच्ड हमें दिखाई दे रहा है, एक ये एक ये एक ये, तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया है, तो इसलिए यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हुआ भी, तो मिथाइल शिफ्ट हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ एच प्लस लिया था रिएक्टेंट ने तो अब वो वापस करेगा, और क्योंकि इस पोजीशन पर एक एच तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कार्बन से खाली 3 बॉन्ड दिखा रखे हैं, यानी एक हाइड्रोजन भी है जो हमने यहाँ शो नहीं कर रखा है, तो अब यहाँ निकालेंगे तो इसलिए शो कर दिया, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये एच तो निकल जाएगा एच प्लस की तरह से, जब एच प्लस निकलेगा तो इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड बना सकते हैं, या आप इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होता हुआ दिखा सकते हैं, कैसे भी आप इसको शो कर सकते हैं, तो ये सेंटीन यहाँ पर बन के आती है। तो वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट में सिंपल जो होता है, हम लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज कर देते हैं थ्रू 1-2 रीअरेंजमेंट। अब वो रीअरेंजमेंट में आप खुद से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाएंगे कि जहाँ पर भी अगर हाइड्राइड है तो एच माइनस को पहले एप्टीट्यूड कराना है, लेकिन अगर इस तरह से कोई ब्रिजहेड पोजीशन बन रही है तब आप एच माइनस का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं शो करेंगे, और तब आप इसके इस तरह से यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट दिखा सकते हैं। तो ये पूरा रीअरेंजमेंट था, वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। अब आज के लिए तो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट को। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।